Warm greetings to all of you. Hope you all are well. I welcome you all in the second video of introduction part of cost accounting. In the last video, we understand the meaning of the cost accounting, and now in this video, we will discuss three important topic of cost accounting. First is objective of cost accounting, second methods of cost accounting, and the third is relationship between cost accounting and financial accounting. So all the three topics are very important from the exam point of view. Now let's go on the first slide. Objectives of cost accounting. देखिए cost accounting का basic जो principal object है वो है cost ascertainment. कोई भी manufacturing industry है, कोई भी production hub है, वो सबसे पहले यह जानना चाहता है कि जो production उसने किया है उस production की cost क्या आई है. बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा ही उसे पता चलेगा कि कोई भी प्रोडक्शन अगर उसने किया है तो उसकी कॉस्ट क्या है. फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसने एक महीने में मान लीजिए 40 मोबाइल्स अगर बनाए हैं तो ये जरूर जानना चाहेगी कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रही. अब उसे पता लगा कि थ्रू दी कॉस्ट अकाउंटिंग की उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 4 लाख है. अब वो अगर ये जानना चाहेगी कि एक मोबाइल की कॉस्ट कितनी है तो वो भी उसे कॉस्ट अकाउंटिंग ही बताएगा कि उसकी एक मोबाइल की कॉस्ट कितनी आई है. इसके अलावा वो ये जानना चाहेगी कि इस 1 मंथ में कितना मटेरियल काम में आया, कितना लेबर काम में आई और कितने अदर एक्सपेंसेस काम में आए. तो ये सब बातें उसे केवल कॉस्ट अकाउंटिंग से ही मालूम पड़ सकती हैं. तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट असर्टेनमेंट. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड ऑब्जेक्ट आपका आता है कॉस्ट कंट्रोल. यू नो दैट दिस इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव सिनेरियो एंड इफ यू आर फिक्सिंग दी सेलिंग प्राइस एट दी हाई, नो वन विल परचेज योर प्रोडक्ट. सो कॉस्ट कंट्रोल इज वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर नाउ डेज. कॉस्ट कंट्रोल में देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है किसी भी प्रोडक्शन के लिए कि इस स्टैंडर्ड पर हमें अपनी कॉस्ट को रखना है. उसके बाद आप जब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उस ड्यूरिंग द प्रोसेस आप कोशिश करते हैं कि जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है आपकी कॉस्टिंग उस स्टैंडर्ड के अंदर ही रहनी चाहिए. मान लीजिए आपने अपना 1 मंथ का स्टैंडर्ड डिसाइड किया है कि मेरे को अपना प्रोडक्शन कॉस्ट को 4 लाख तक ही रखना है, तो अब आप क्या कोशिश करेंगे, आप ये कोशिश करेंगे कि थ्रू आउट द मंथ जितनी भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो ओवर 4 लाख ना हो. ओके, देन द थर्ड पॉइंट इज कॉस्ट रिडक्शन. कॉस्ट रिडक्शन इज बेसिकली रिलेटेड टू द प्रिवेंशन एक्टिविटीज. इन कॉस्ट रिडक्शन द लूप होल्स ऑफ द इंडस्ट्रीज आर रेक्टिफाइंग. यानी कि अगर हमें लगता है कि हमें कहीं एफिशिएंसी को इनक्रीज करना है, कहीं हमें लेबर को इनक्रीज करना है, कहीं हमें मटेरियल को और कम कॉस्ट में हमें मिल सकता है, तो ये सारे जो एफर्ट्स हैं ये हमारे कॉस्ट रिडक्शन के अंदर आते हैं. लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें अपनी क्वालिटी की जो मेंटेन है, हमारी हाई क्वालिटी है, उसे हम कभी भी रिड्यूस नहीं करेंगे. हम केवल अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, बाकी जो हमारी क्वालिटी है हम उसे हमेशा मेंटेन करके रखते हैं. नाउ फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड मैनी स्टैटिस्टिकल डेटा टू द मैनेजमेंट. दे हेल्प दैम टू कंट्रोल द कॉस्ट, दे हेल्प दैम टू रिड्यूस द क्रॉस एंड इवन दे ऑल्सो प्रोवाइड दैम द डेटा टू फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत सारा डेटा देता है मैनेजमेंट को जिसके बिहाफ पर मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है. वो जान सकता है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, उसे अपनी सेलिंग प्राइस कितनी रखनी है, अगर कोई टेंडर आया है तो स्टैंडर्ड में टेंडर प्राइस कितनी भरनी है, और जो अपकमिंग प्लान्स हैं वो भी इन पर ही डिसाइड किए जाते हैं. नाउ द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंप्लियंस ऑफ स्टैचुरी रिक्वायरमेंट्स. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग वो कौन बनाता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट. तो उसने कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए मैंडेटरी कर रखा है कि आपको कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करने ही हैं. तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पार्ट है ये आपकी इस स्टैच्यूट रिक्वायरमेंट को भी कम्प्लीट करता है. तो इस तरीके से मैं समझती हूँ कि आपको जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के वो समझ में आ गए होंगे. अब इसमें क्या है, दो आपको टर्म्स हैं दी गई हैं, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. तो ये दोनों टर्म्स हमें देखने में तो एक सी लगती हैं, पर इसमें थोड़े से बेसिक डिफरेंस है जो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. तो देखिए कॉस्ट कंट्रोल का मैंने आपको प्रोसेस बताया था. इसमें आप क्या करते हैं कि पहले आप स्टैंडर्ड या बजट कॉस्ट डिसाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करना चाहते हैं, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं.
लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में क्या है कि मान लीजिए अगर आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है 4 लाख, तो कॉस्ट रिडक्शन में आप ये कोशिश करेंगे कि आप इसको 4 लाख से भी नीचे रखें, यानी कि आप स्टैंडर्ड को चैलेंज करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि जो हमने मिनिमम किया है हम उससे और नीचे आप आएँ। सेकेंड इसमें डिफरेंस है कि जो कॉस्ट कंट्रोल है उसमें आप क्या करते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं वो एग्जिस्टिंग जो कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि आपको पता है कि ये कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल हैं और इसमें इन कंडीशंस में हमें क्या करना है। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में कोई कंडीशन नहीं होती हैं, कोई परमानेंसी नहीं होती है, हम फॉर द फ्यूचर ये डिसाइड करना चाहते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगा। थर्ड पॉइंट, कॉस्ट कंट्रोल हमेशा एम्फेसिस करता है पास्ट और प्रेजेंट में, यानी कि देखता है कि पास्ट में आपने क्या क्या चीज़ें करी थी और उसके अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट में क्या कॉस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन हमेशा क्या करता है, फ्यूचर के बारे में सोचकर चलता है। कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिंग फंक्शन है जबकि कॉस्ट रिडक्शन एक करेक्टिव फंक्शन है, यानी कि इसके अंदर हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नाउ द लास्ट इज कंट्रोल एंड्स विद व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड, यानी कि अगर आपने 4 लाख का टारगेट डिसाइड किया था और वो आपका अगर अचीव हो गया है तो यानी कि यू आर सक्सेसफुल, कॉस्ट कंट्रोल आपने कर लिया है। लेकिन जो कॉस्ट रिडक्शन है वो एंडलेस प्रोसेस है, इसका कोई विजिबल एंड नहीं है, ये हमेशा कैरी फॉरवर्ड रहेगा, हमेशा आपको कोशिश करते रहना है कि आप किसी ना किसी तरह अपने कॉस्ट को रिड्यूस करें। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेसिकली कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या डिफरेंस है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वो हमारे प्रैक्टिकल किस पे डिपेंड है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पे। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग बेसिकली होता क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट यूनिट, यानी कि जिन मेथड्स से हम लोग कॉस्ट को असर्टेन करते हैं दैट इज कॉल्ड मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आप क्यों बोल रहे हैं, आप कहेंगे कि हमारे पास एक ही मेथड होना चाहिए जिससे हम हमारी कॉस्ट को असर्टेन कर सकें, लेकिन नहीं, ये वेरी करता है। क्यों वेरी करता है, क्योंकि आपकी बिजनेस का नेचर भी वेरी होता है, यानी कि जिस टाइप का बिजनेस होगा, जिस टाइप की आपकी इंडस्ट्री होगी, उसी टाइप का मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बस कंपनी है तो उसके लिए कॉस्टिंग मेथड अलग होगा, कोई क्लोथ मिल है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग मेथड अलग होगा, कॉस्टिंग मेथड अलग होगा। और इसी तरीके से मान लीजिए कोई ब्रिक्स की, सीमेंट की, टेलीविजन, मेडिसिन, बहुत देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज, तो सबके लिए आपके कॉस्टिंग मेथड्स अलग अलग होंगे। तो अब हम लोग अलग अलग मेथड्स देखेंगे कि किस किस तरीके के मेथड्स होते हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें पहला आपका आता है यूनिट कॉस्टिंग मेथड। अब देखिए यूनिट कॉस्टिंग मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है और आपका थर्ड जो पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का उसको पूरा कवर यही करता है। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है लेकिन हम अभी इस स्लाइड में केवल इसका मीनिंग ही समझेंगे कि व्हाट इज यूनिट कॉस्टिंग। अ यूनिट कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ कंपनी फॉर वन यूनिट, यानी कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मोबाइल बनाने की, उसकी एक महीने की टोटल कॉस्ट आई है 4 लाख। लेकिन अब वो जानना चाहती है कि एक मोबाइल कितने का उसको पड़ेगा, तो यानी कि वो क्या करेगी, वो देखेगी कि 4 लाख आपके 40 मोबाइल बन रहे हैं तो वन मोबाइल की आपकी कॉस्टिंग आ गई 10,000। यानी कि यूनिट कॉस्टिंग आपको ये बताती है कि आपने जो प्रोडक्शन किया है तो आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट में वन यूनिट जो है उसकी कॉस्टिंग कितनी आती है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस का नेचर कैसा होना चाहिए, द प्रोडक्शन इज़ यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूड, यानी कि आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो सेम बननी चाहिए, जैसे मोबाइल्स हो गए या फिर आप मान लीजिए आपकी ब्रिक्स हो गई हैं या फिर आपके टेलीविजन्स हो गए हैं, रेडियोज़ हो गए हैं, ये सब क्या है, सिंगल यूनिट्स होती हैं, सेम बनती हैं, इनमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होता है। आप अगर कोई भी वीवो का मोबाइल लेते हैं या आप कोई भी माइक्रोमैक्स का मोबाइल लेते हैं तो अगर आप कोई पर्टिकुलर एक रेंज में जा रहे हैं तो उस रेंज के सभी मोबाइल सेम होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, ऑर्डर बेस पे नहीं होता है, ये प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंटिन्यू अपना प्रोडक्शन करती रहती हैं, ये लोग पहले ऑर्डर रिसीव नहीं कर रही हैं, ये कंटिन्यूशन में अपने, जैसे मान लीजिए ईंट बनाने के जो भट्टे हैं, ईंटें बनाने के, वो ईंटें बनाते रहते हैं चाहे उनको ऑर्डर मिले चाहे नहीं मिले। तो ये इस टाइप की जो इंडस्ट्री हैं जहाँ पे यूनिट कॉस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिफॉर्म होता है और कंटिन्यू चलता रहता है। इसके अलावा इसके जो प्रोडक्शंस हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, फिजिकल होते हैं, नेचुरल होते हैं, ये सब आप लोगों को आगे हम जब और डिस्कस करेंगे तो और डेप्थ में पता चल जाएगा। आई थिंक फिर भी काफ़ी क्लियर हो गया होगा आपको यूनिट कॉस्टिंग क्या होती है। नाउ नेक्स्ट इज जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग है स्पेसिफिक ऑर्डर बेस्ड कॉस्टिंग, यानी कि पहले आप इसमें ऑर्डर रिसीव करते हैं, कस्टमर की स्पेशल चॉइस होती है, उस चॉइस के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इन्विटेशन कार्ड्स, आप लोगों ने देखा होगा सारे इन्विटेशन कार्ड्स कई बार आते हैं, बर्थडे इन्विटेशन हो गया, मैरिज इन्विटेशन हो गया, तो कोई भी कार्ड क्या सेम होता है, नहीं,
किसी ना किसी तरीके से हर किसी कार्ड में अपनी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनके अकॉर्डिंग वो टास्क किया जाता है। तो जॉब कॉस्टिंग के अंतर्गत क्या होता है, कस्टमर वाइज आप अब स्पेसिफिक ऑर्डर होता है और हर जॉब ऑर्डर के लिए आप सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं, लेकिन इसकी खास बात ये है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, छोटी छोटी जॉब्स ले ली जाती है, उनको कंप्लीट करके उसको वहीं पर ही एंड कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग हम कहाँ अप्लाई करते हैं, वेयर सिमिलर आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन बैचेस। अब आपने देखा होगा, मान लीजिए टेलीविज़न इंडस्ट्री है, तो टेलीविज़न इंडस्ट्री में आप क्या है, कहीं पे आपकी जो बॉडी पार्ट है टेलीविज़न का वो बन रहा है, कहीं पे उसका मदरबोर्ड बन रहा है, कहीं पर उसकी वायरिंग बन रही है, कहीं पर उसके बटन्स बन रहे हैं। इट मीन्स सेम तरीके के आर्टिकल्स को हमने अलग अलग बैचेज में डिवाइड कर दिया। वो सब क्या होंगे, अपने अपने बैचेज में उनकी कॉस्टिंग की जाएगी और वो एक जगह पर आके असम्बल हो जाएंगे और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बैच कॉस्टिंग बेसिकली कहाँ पर काम में आता है, ड्रग इंडस्ट्रीज़ में, रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्रीज़ में, रेडियोज़ में, टेलीविज़न में। इसको हम लॉट कॉस्टिंग भी बोलते हैं क्योंकि इसमें लॉट्स में काम किया जाता है। और नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपको सुनने में भी थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ हमें सुना हुआ है, कि बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उनके अंदर काम में आता है, जैसे कोई बिल्डिंग बनाने का कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज बनाने का कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर आपकी जो टेंडर प्राइस आती है कई बार आपको गवर्नमेंट भी देती है, जैसे हमारे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है दिल्ली मेट्रो को। तो इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है वह कहाँ पर होती है, लार्ज स्ट्रक्चरल और कंस्ट्रक्टर वर्क पर। ये लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है और हर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंडिविजुअल कॉस्टिंग अकाउंट सेपरेट मेंटेन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग रेफर्स टू द कॉस्टिंग ऑफ वन एंड मोर प्रोसेस इन्वॉल्व बाई कन्वर्टिंग अ रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट। देखिए इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो एक बार में ही पूरा नहीं बन रहा है, उसके अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं और हर प्रोसेस के बाद वो धीरे धीरे अपने लास्ट जो उसका एक फॉर्मेशन है, फिनिश प्रोडक्ट जो है उसके अंदर वो कन्वर्ट हो रहा है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे क्लोथ। क्लोथ में सबसे पहले कॉटन से आपने क्या बनाया, थ्रेड बनाया, देन थ्रेड से वो क्लोथ में कन्वर्ट हुआ एंड देन क्लोथ से आपने उसकी शर्ट बनाई। तो यानी कि अलग अलग प्रोसेस से होता हुआ गया, उसके बाद वो फिनिश प्रोडक्ट बना। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट है। जहाँ पर इस तरीके के प्रोसेस होते हैं वहाँ पे हम प्रोसेस कॉस्टिंग काम में लेते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। देखिए अब तक जो हमने देखा था कॉस्टिंग के मेथड्स वो किस पे अप्लाई होते थे, प्रोडक्ट पर। लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग किससे रिलेटेड है, सर्विसेज से। यानी कि यहाँ पे आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। होटल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आएगी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर आएगी, कैंटीन इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज जो सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं वो सब इसके अंदर फॉल करती हैं। तो यानी कि ये आपको क्या देता है, ये आपको प्लेस यूटिलिटी देता है, टाइम यूटिलिटी देता है और वैल्यू यूटिलिटी देता है। तो जहाँ पर भी आपके सर्विस प्रोवाइडिंग वाली फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड्स को काम में लेते हैं। तो अब देखिए आपने पूरे 6 कॉस्टिंग मेथड्स हैं उनको देखा है। यूनिट कॉस्टिंग मैं वापस आपको बता देती हूँ एक बार। हमने देखिए यूनिट कॉस्टिंग मेथड, जिसके अंदर हमारी सेम तरीके की यूनिट्स आउटपुट होती हैं और हम पर यूनिट कॉस्टिंग भी अपनी पता कर सकते हैं। देन हमने देखा जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू कस्टमर चॉइस आपका जॉब क्रिएट कर रहे हैं। बैच कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के बैचेज होते हैं जिनको हम लोग सेम आर्टिकल के अकॉर्डिंग अलग अलग सेग्रीगेट कर देते हैं और फिर बाद में लास्ट में वो चीज़ें एक साथ असेंबल होकर आपकी एक प्रोडक्शन को फाइनल स्टेज पे ले आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड हो गया। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही जो रॉ मटेरियल है वो जब फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है तो उस ड्यूरेशन में 3 से 4 प्रोसेस में वो पहले पास ऑन होता है और उसके बाद वो लास्ट में आपके पास आता है। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है वो आपकी सर्विसेज से रिलेटेड है, यानी कि जहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं वहाँ आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लेते हैं। तो अगर फिर भी आपको, वैसे मुझे लगता है कि सारी चीज़ें क्लियर हैं क्योंकि हमारा क्या है इसमें बेसिक ही समझना ज़रूरी था कि मेथड्स कितने हैं और कहाँ कहाँ ये काम में आते हैं। इनके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो हम लोग बाद की यूनिट्स में देखेंगे। आपके कोर्स में ये सारे मेथड्स नहीं हैं, केवल यूनिट कॉस्टिंग मेथड ही है। चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन दी कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का थ्योरी क्वेश्चन भी एक आ जाता है एग्जाम में। तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो वो अकाउंटिंग है जो आपने 12th में पढ़ी थी, यानी कि जिसमें आपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट बनाई थी, वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। और कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बेसिकली करते क्या हैं, वो किससे रिलेटेड होती है। तो अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज इनका डिफरेंस देखते हैं या रिलेशन देखते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ अप्लाइंग द कॉस्टिंग मेथड्स
टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल। उसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसका बेसिक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका कॉस्ट असटेनमेंट, इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिड्यूस्ड ओवर द ऑल कॉस्ट। जहाँ हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इट इज़ इन एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द कंपनी। यानी कि इसके अंदर आप सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं और इसका बेसिक एम होता है टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी। यानी कि फाइनेंशियल पोजिशन आपकी कंपनी की क्या है वो असर्टेन करना फाइनेंशियल अकाउंट्स का मेन एम होता है। अब यहाँ पे हमने कुछ बेसिक लिए हैं, बेसिस उन बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फर्स्ट हमारा बेस आता है इसमें नेचर। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो किस बेसिस पे होती है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। यानी कि हमने हमारे क्या किया है, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें एंट्रीज करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल नेचर्स की जो हमारे आइटम्स होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया था, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है आपकी कॉस्ट पर यूनिट को असर्टेन करना, सेलिंग प्राइस फिक्स करना, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिसाइड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्रिक्वेंसी। कॉस्ट अकाउंटिंग आप विद इन द ईयर कितनी बार भी कर सकते हैं, पर्टिकुलरली देखा जाए तो मंथली हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्शन का लॉट आया तो वो लॉट एंड होते ही आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कर लेते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉर्मल कंडीशंस में थ्रू आउट दी ईयर केवल एक बार ही की जाती है। अब है नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग फाइनेंशियल आइटम्स इंक्लूड नहीं करते, डिविडेंड, डोनेशन, इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग इंक्लूड नहीं करते। इसमें केवल प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट ही हम लोग इंक्लूड करते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आर टेकन इन टू अकाउंट्स वेदर दीज आर रिलेटेड विद प्रोडक्शन और नॉट। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो अगर हम एरिया देखें तो वाइडर है इन स्पाइट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल आइटम दोनों इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम केवल कॉस्ट के प्रोडक्शन से रिलेटेड जो आइटम है वही इंक्लूड करते हैं। तो बेसिक जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो यही है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट कॉस्ट कंट्रोल करना होता है, इस कारण हम बहुत एनालिसिस करके इन अकाउंट को मेंटेन करते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्ट होता है वो होता है टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी। तो उस तरीके से हम लोग इसमें सारे एस्पेक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं और मुझे लगता है कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।